हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो पिछले दो वीडियो में हमने किए थे सीजर के पिछले दो पार्ट, अब इस वीडियो में हम लास्ट पार्ट करने वाले हैं। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इशू द रूल्स ऑफ ग्लोबल ट्रेड। तो करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूएसए में, और फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। एंड लास्ट वन, डायरेक्टोरेट जनरल फॉरेन ट्रेड, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। एंड ओवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन 1 अप्रैल 2014 नाटो सस्पेंडेड ऑल कोऑपरेशन विद। तो करेक्ट आंसर इज रशिया। रशिया एंड नाटो फुल फॉर्म इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। कब फाउंड हुई थी? 1949 में फाउंड हुई थी नाटो। और 30 कंट्रीज का ग्रुप है जिसमें से यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज आती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 103। ऑन 21 अक्टूबर 2014 वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बीन री इलेक्टेड टू द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल। तो करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। UNHRC की जो फाउंड हुई थी, कब हुई थी? 15 मार्च 2006 को फाउंड हुई थी। ठीक है। इन ईयर 2014 साइक्लोनिक स्टॉर्म हैड हर स्ट्रक द कोस्टल डिस्ट्रिक्ट ऑफ सम स्टेट्स एंड लेफ्ट बिहाइंड अ ट्रेल ऑफ डिवास्टेशन। दी स्टेट्स आर, करेक्ट आंसर इज आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ईयर 2014 विच जुडिशियल कोर्ट रूल दैट शरीयत कोर्ट्स आर इलीगल। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया था कि शरीयत कोर्ट्स है जो वो गैर कानूनी है। तो सुप्रीम कोर्ट इज करेक्ट आंसर। यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 28 फरवरी 2014 रेज द नंबर ऑफ वर्क डेज। तो ट्राइबल एरियाज में मनरेगा के जो वर्कर्स हैं उनका 100 डेज से जो वर्किंग ड्यूरेशन है वो 150 कर दिया है। ठीक है। 2014 28 फरवरी को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इन्वेंटेड रडार। तो करेक्ट आंसर इज रॉबर्ट वाटसन वाट। क्वेश्चन आता है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी किसने किया? हेनरी बेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीरो वाज इन्वेंटेड बाय। करेक्ट आंसर इज इंडियंस। हु अमंग द फॉलोइंग इवॉल्व द कंसेप्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। करेक्ट आंसर इज आइंस्टाइन। रिलेशन इज इक्वल टू MC². नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। करेक्ट आंसर इज ओम मीटर। एंड गैल्वेनोमीटर इज यूज टू मेजर स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोमीटर इज यूज टू मेजर वेरी स्मॉल वोल्टेज एंड करंट। एंड स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर इज यूज टू वेरिएशन ऑफ फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। एट अ गिवन रेंज। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज, करेक्ट आंसर इज सीज्मोलॉजी। सीज्मोलॉजी यानी कि सीज्मोग्राफ एक होता है, उसका होता है पता लगाना, और अगर हम स्टडी करें अर्थक्वेक की उसे कहते हैं सीज्मोलॉजी। हाइब्रिड कंप्यूटर इज कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी ऑक्सिलरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। सेकेंडरी ऑक्सिलरी का मतलब है एक्सटर्नल मेमोरी। तो कौन सी नहीं है? वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम। रैम क्या है? एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, और ये क्या है? प्राइमरी है। ठीक है। रोम एंड रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर फॉर कंप्यूटर। तो एंड्रॉयड इज नॉट अ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर फॉर कंप्यूटर। HTTP इन इंटरनेट हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज नाइट एंजल ऑफ इंडिया। सरोजिनी नायडू इज करेक्ट आंसर डी ऑप्शन। जो भी सारे क्वेश्चन हैं ये पहले पूछे गए हैं, इसीलिए मॉडल टेस्ट पेपर में उठाए हुए मैंने। सारे क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। डॉक्टर वी कुरियन हैज डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। करेक्ट आंसर इज डेयरी डेवलपमेंट, सी ऑप्शन। ऑन 16 अक्टूबर 2014 यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंटेड मिस्टर अरविंद सुब्रमण्यम एस। तो 16 अक्टूबर 2014 को यूनियन गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था मिस्टर अरविंद सुब्रमण्यम को। तो क्या किया था उन्होंने? चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र किया था। अब चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र 2022 में कौन है, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो
वो है वी अनाथा नगेश्वरन। वी अनाथा नगेश्वरन है जो 2022 में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है। ये क्वेश्चन बनता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? वो है श्री राजीव कुमार। ठीक है, श्री राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। प्राण कुमार शर्मा किसमें मशहूर है? ठीक है, वो है कार्टूनिस्ट। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। स्पाइडरमैन का रियल नेम क्या है? सबको पता होगा जिसने फिल्म देखी है, पीटर पार्कर। फुल फॉर्म ऑफ ISIS, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कतरा रेल लिंक विच वॉज इनॉग्रेटेड ऑन 4 जुलाई 2014 इज बेसिकली रेल लिंक बिटवीन। करेक्ट आंसर इज जम्मू एंड कतरा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एंड 2022 में कौन सी रेल बनी है जम्मू को जो लिंक करती है? जम्मू और बारामूला। ठीक है, लाइन रेलवे ट्रैक है जो कनेक्ट करती है जम्मू को कश्मीर वैली के साथ। जम्मू और बारा जम्मू से लेके बारामूला से तक जो रेलवे लाइन है, रेलवे ट्रैक है, वो बना हुआ है 2022 में कश्मीर वैली से कनेक्ट करने के लिए। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सबको पता होगा ये, तो वो क्वेश्चन दिया था भगत सिंह ने। हाई कोर्ट ऑफ विच स्टेट रिसेंटली बैंड रिलीजियस सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल्स एट ऑल प्लेसेस ऑफ पब्लिक वर्शिप अक्रॉस द स्टेट। करेक्ट आंसर इज हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन। विच स्टेट कैपिटल इज सिचुएटेड ऑन द रिवर गैंग्स? तो गैंग्स रिवर के ऊपर कौन सा जो स्टेट कैपिटल वो सिचुएटेड है? वो पटना है। ठीक है, पटना। आगे ऑप्शन में देखते हैं हम, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, सॉरी डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 2014 यूनियन गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड हैवी फ्लड्स इन विच स्टेट एज अ नेशनल कैलामिटी? करेक्ट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर, सी ऑप्शन। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अप टू 2 दिसंबर 2015 तक कौन था चीफ जस्टिस? वो था जस्टिस HL दत्तू। ठीक है, और 2022 में कौन है? 2022 में 50 में है। ठीक है, 50 में वो है धनंजया वाई चंद्रचूड़। ठीक है, 9 नवंबर को हुए हैं वो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 9 नवंबर को हुए हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 9 नवंबर को इनका नाम है धनंजया वाई चंद्रचूड़। ठीक है, ये तो बहुत पुराने की बात हो रही है। विच कंट्री गेट्स अप्रोक्सीमेटली 97% ऑफ ड्रिंकिंग वाटर थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोलराइजेशन, डिसैलिनाइजेशन? ठीक है, डिसैलिनाइजेशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ साल्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इजराइल। ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, द फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस इंग्लिश चैनल। हर जगह पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्यों इतना मशहूर क्वेश्चन है? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मिहिर सेन। 65 ईयर ओल्ड प्लानिंग कमीशन है जो, किसके नाम से वो रिप्लेस किया गया? 1 जनवरी 2015 को किया गया नीति आयोग के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लॉन्च्ड मिशन डैश टू अचीव फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज फॉर ऑल चिल्ड्रन बाय 2020। करेक्ट आंसर इज इंद्रधनुष। कब शुरू किया गया था? दिसंबर 2014 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीएम लॉन्च डैश योजना अंडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कॉम्पेंशन। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 132 का, सुकन्या समृद्धि, सी ऑप्शन। द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इनॉग्रेटेड इंडिया फर्स्ट CNG पावर ट्रेन ऑन द रेवाड़ी रोहतक। ठीक है, रेवाड़ी रोहतक लाइन से CNG पावर ट्रेन सबसे पहली चली है। ठीक है, 133, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 134, इंडिया हैज रिसेंटली परचेज्ड विच फाइटर एयरक्राफ्ट फ्रॉम यूरोपियन नेशन? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा फ्रांस से लिए थे इंडिया ने राफेल। ठीक है, 36 राफेल फाइटर जेट्स लिए हैं। तो ये तो प्रण लिखा हुआ है, इसके स्पेलिंग आएंगे RAFAL। ठीक है, अब की बात कर रहे हैं, इतना प्रण हम नहीं देखेंगे, तो 2014-15 की बात हो रही है, हम अब की बात करेंगे। 36 राफेल लिए हैं फाइटर जेट्स, फ्रांस से लिए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया। इन ब्रिक्स, ब्रिक्स में एस स्टैंड्स फॉर, तो ब्रिक्स में एक होता है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका दिया हुआ है सी ऑप्शन में। 2010 फीफा वर्ल्ड कप वाज बोर्न बाय स्पेन, स्पेन ने जीता था। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप। रुकिए, थोड़ा सा डाउट है।
2022 की बात करें, 2010 का स्पेन ने जीता था, अगर 2022 की बात करें तो 2022 में जीता था। 2022 देखो जी, अभी 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो अभी चल रहा है, 20 नवंबर 2022 से, 20 नवंबर 2022 से 18 दिसंबर तक चलेगा, ठीक है। अब 2018 की बात करें, 2018 का किसने जीता था, 2018 का जीता था फ्रांस ने, ठीक है, फ्रांस ने फीफा वर्ल्ड कप 2018 का जीता था। अब 2022 का जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, कतर में, कतर में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी वॉज हॉनर्ड विद प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड ऑन 25 फरवरी 2015, करेक्ट आंसर इज 44 आर्म्ड, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री होस्टेड द अफ्रीका एलिफेंट समिट इन मार्च 2015, करेक्ट आंसर इज बोट्सवाना, ए ऑप्शन। विच कंट्री हैज बीन कंस्ट्रक्टिंग द कॉन्ट्रोवर्शियल ग्रैंड रेनेसांस डैम प्रोजेक्ट ऑन नाइल रिवर, करेक्ट आंसर इज एथियोपिया, एथियोपिया। हु बैक द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड, 62 अवार्ड, नेशनल फिल्म अवार्ड, एक्ट्रेस फिल्म अवार्ड, तो वो किसने लिया था, बोले कंगना रनौत ने, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आपको बताना है जो 2022 चल रहा है, ठीक है, जो लेटेस्ट अवार्ड है, नेशनल एक्ट्रेस, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एंड नेशनल फिल्म अवार्ड, वो लेटेस्ट है, मुझे पता है वो 66 था, जहाँ यहीं आस पास है कुछ, आपको पता करना है, ठीक है, गूगल से। विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन खाइबर एंड खाइबर टू, तो मिलिटेंट ग्रुप्स होते हैं आतंकवाद ग्रुप के खिलाफ, खाइबर वन खाइबर टू जो ऑपरेशन है वो लॉन्च किया, कौन सी कंट्री ने, ऑप्शन ए पाकिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 142, द इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड इज गिवन आउट बाय, तो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, करेक्ट आंसर इज लॉर्ड माउंट बैटन, ए ऑप्शन। इन विच ईयर द न्यू करेंसी यूरो वॉज इंट्रोड्यूस्ड, करेक्ट आंसर इज 1999, 1999। नेक्स्ट इज द लॉन्गेस्ट सर्कल विच कैन बी ड्राउन ऑन द अर्थ सर्फेस पासिस थ्रू द इक्वेटर, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। विच स्टेट ऑफ इंडिया रिकॉर्ड द हाइएस्ट प्रोड्यूसर प्रोडक्शन ऑफ टी, करेक्ट आंसर इज हाइएस्ट प्रोडक्शन ऑफ टी इज इन असम। कॉफी की बात करें तो ब्राजील, ठीक है। 2 पर्सन आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेजिडेंट टू मेंबर्स ऑफ लोकसभा टू रिप्रेजेंट द एंग्लो इंडियंस, 2 पर्सन एंग्लो इंडियंस, एंग्लो इंडियंस, ए ऑप्शन। भारत रत्न वॉज अवार्डेड इन 2015, 2015 में अवार्ड किया गया था, 2015 में किसको किया गया था, तो वो किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी को। अब मैंने चेक किया है तो पिछले 3 साल में देखा है मैंने, तो किसी को भारत रत्न अवार्ड नहीं मिला है, ना 2022 में, ना 2020 में, और ना 2021 में। तो ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है, सबसे पहले किसको अवार्ड मिला था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहले अवार्ड दिया गया था भारत रत्न अवार्ड इंदिरा गांधी को, ठीक है, इंदिरा गांधी को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द 35th नेशनल गेम्स इन फरवरी 2015, करेक्ट आंसर इज सचिन तेंदुलकर, ए ऑप्शन। विच कंट्री वॉन द क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015, ऑस्ट्रेलिया। अब 2015 के बाद 2020 आया होगा, तो वो किसने जीता है, वो भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, ठीक है। ये थे हमारे पेपर के 150 क्वेश्चन, सीजर के 150 क्वेश्चन हो गए हैं। अगली वीडियो में आएंगे इंटरेक्टिव कम्युनिकेटिव इंग्लिश, तो उसके भी लगभग इतने क्वेश्चन होते हैं, तो आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं क्वेश्चन को टैग करके, ठीक है। कोई भी इश्यू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।